माइनस टेम्परेचर हो तब तब तो रेगिस्तान हो, तब हम कुर्बानी देते हैं, अपनी जान हथेली पे लेके खड़े होते हैं, तब देश का एक व्यक्ति, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे देश का नेता हो, तब जाकर के रात की नींद लेता साहब। इस हिंदुस्तान में है भगवान, इसको सद्बुद्धि देना मोदी साहब को, इन बच्चों को न्याय दे दीजिए, अन्यथा 2024 में आपका झोला अगर नहीं उठवा दिया, हम फौजी नहीं, हम फौजी हैं, एक एक गांव गांव में जाएंगे, एक एक व्यक्ति व्यक्ति तक जाएंगे, जगाएंगे देश के 100 लोगों को जो तो अंधभक्त बने हुए हैं, उन अंधभक्तों को भी जगाएंगे कि दलाली करने की आवश्यकता नहीं है। इस सरकार की अगर चूल नहीं ला दी, हम फौजी नहीं, हम ऐलान करते हैं मोदी साहब आपको, हम डरने वाले में से नहीं है, ये कार हमने चूड़ियां नहीं डाल रखी, हम चूल ही ला देंगे सरकार की। वो माँ भी रो रही होगी जिस माँ ने इन जनरलों को पैदा किया होगा, उसको क्या पता मैं अपनी कोख से 71 जनरलों को पैदा कर रही हूँ, धिक्कार से जनरलों को। मोदी साहब 2024 में आपकी अगर चूल नहीं उखाड़ दी, हम फौजी हैं, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अगर 24 में मोदी आएगा धिक्कार आप फौजी नहीं कहलाएंगे। तीसरी मांग है कि उम्र सीमा में छूट, सरकार ने उम्र सीमा में जो 2 साल की छूट दी है, जो सिर्फ जनरल ड्यूटी वालों को दी है, वो जो टेक्नीशियन कर रख थे जिन्हें पहले ही 23 साल होनी थी, उनकी 25 होनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं दी। हमारी चौथी मांग 4 साल की सर्विस जो बढ़ाई जाए या तो फिर अधिकारियों के और नेताओं के भी लिए लागू की जाए, ये ज्ञापन की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। पांचवी हमारी मांग है, जैसे ये देखो अभी भी गाड़ी बुला रहे हैं, ठीक है हमारे कुछ कर देंगे, पहले भी बच्चों ने इसी तरह कहा कि जब ये योजना आई बच्चों ने जो अभी तोड़फोड़ की, मैं मानता हूँ वो गलत था, आज हम शांति प्रिय तरीके से आ रहे हैं, वो भी न्याय दे रहे, उस दिन बच्चों ने जो गलती की उसके माफी भी मांगते हैं, और नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बच्चों के केस वापस नहीं होंगे तो वो चोरी बदमाश और गुंडे बनेंगे। अपनी बात रख सकते नहीं रख सकते, बिल्कुल आप देख रहे हैं कितनी जोर जबरदस्ती कर रही है पुलिस, इन्होंने कहा था 5 आदमी इस तरीके से अपनी बात भी नहीं रख सकते, यानी कि पहले परमिशन के लिए अप्लाई किया था 23 तारीख को, ये कर रखी है हमने अप्लाई कर रखा है, आप देख सकते हो 23 तारीख को रात को 11 बजे रात को इन्होंने कैंसिल की है। बोलता था कि लोकतंत्र खतरे में है, हमें हंसी लाती थी कि ये क्या बात करें, लेकिन आज हमें इतने दुर्भाग्य से कहना पड़ता कि वाकई देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। हम यहाँ पर आपने बताया कि बाहर जाके कर लीजिए लाइव, हम बाहर आके लाइव कर रहे हैं, कोई हुड़दंगबाजी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, अपनी बात ही तो रख रहे हैं आपके सामने, अगर मीडिया के सामने भी अपनी बात नहीं रख सके तो देश में लोकतंत्र नहीं है, बिल्कुल देश का लोकतंत्र समाप्त है, और दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता पूरे देश को कि इसका विचार करना पड़ेगा साथियों। अगर पुलिस हमें लेके जाती है हम जाने के लिए तैयार हैं, हम शांति प्रिय तरीके से पुलिस के पास उसको मानेंगे। ये बताइए कि अग्निपथ जो आप बताइए, 3 साल से जिन बच्चों ने सारा प्रोसेस करके बैठा है, पहले आप उनको क्लियर करते उसके बाद में अग्निपथ लेके आए। अग्निपथ में आपको अधिकारी को पेंशन है, हमारे नेताओं को पेंशन है, ये 4 साल के बच्चों को पेंशन क्यों नहीं साहब? एक ही सेना बची थी जो देश के लिए कुर्बानी देती है, कुर्बानी देने वालों को पेंशन नहीं है, बताइए नेताओं को पेंशन? 5 साल पूरी परेशानियों के बाद भी सर नेताओं को पेंशन है, लेकिन गरीब के बेटों को पेंशन इस देश के अंदर, बड़े दुर्भाग्य से कहने पड़ता हूँ मुझे, इस देश को सोचना पड़ेगा, इस देश का पूरा एक एक व्यक्ति तब महफूस रहता है, रात की नींद लेता है, तब देश का सैनिक अपनी कुर्बानी देता है, वहां पर माइनस टेम्परेचर हो तब वहां रेगिस्तान हो, तब हम कुर्बानी देते हैं, अपनी जान हथेली पे लेके खड़े होते हैं, तब देश का एक व्यक्ति, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे देश का नेता हो, तब जाकर के रात की नींद लेता है साहब। प्रधानमंत्री तो अपनी नींद उड़ा के देश के बारे में सोचते हैं। हाँ नहीं, ये तो वाह, कितने अच्छे प्रधानमंत्री साहब हैं, इतने अच्छे प्रधानमंत्री, जैकेट पहनने से, दिवाली मनाने से देश के सैनिकों के हितैषी नहीं होते, आप बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, हिंदुस्तान की पहली निकम्मी सरकार है, इसी सरकार ने पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस के, हमारे CRPF, BSF, ITBP, जितनी हमारे अर्धसैनिक बलों की पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बंद हुई, और यही सरकार अब सेना की पेंशन घुमा फिरा के अग्निपथ के माध्यम से बंद कर दी। अग्निपथ जो सैनिक जाएंगे, ना उनकी पेंशन है, ना उनके मेडिकल फैसिलिटी है, ना कैंटीन फैसिलिटी है, ऐसी निकम्मी सरकार इस हिंदुस्तान में है भगवान, इसको सद्बुद्धि देना मोदी साहब को। मोदी साहब विनती करते हैं आपसे, आश्वासन
आश्वासन देते हैं हम सदैव आपका सम्मान करेंगे, अगर आप इन बच्चों को न्याय दे दीजिए, अन्यथा 2024 में आपका झोला अगर नहीं उठवा दिया, हम फौजी नहीं पूरे देश से अपील करते हैं प्यारे देशवासियों, सौगंध आपको इस माटी की, सौगंध इस देश की, आपको इस मां भारती की सौगंध है। अगर 2024 में अगर मोदी साहब ने इसको वापस नहीं लिया तो 2024 में धिक्कार है आप लोगों को, पर मोदी साहब को अगर झोला उठा के नहीं भगा दिया, हम फौजी हैं, एक एक गांव गांव में जाएंगे, एक एक व्यक्ति व्यक्ति जाएंगे, जगाएंगे देश के सोए लोगों को जो दो अंधभक्त बने हुए हैं, उन अंधभक्तों को भी जगाएंगे कि दलाली करने की आवश्यकता नहीं है। इस सरकार की अगर चूल नहीं ला दी, हम फौजी नहीं, हम ऐलान करते हैं मोदी साहब आपको, और आपको विनती भी करते हैं अगर आप इसको वापस ले लेते हैं, सदैव हम आपके आभारी रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपने अगर वापस नहीं लिया, बच्चों को न्याय नहीं दिया, हम फौजी हैं, हमें गोली मरवा दो, हमें फांसी लगवा दो, हम डरने वालों में से नहीं है, अरे वहां से जिंदा बच के आ गए तो यहाँ से तुम्हारी क्या औकात है भगवान, हमें यहाँ भी जिंदा रहेंगे। एक सवाल, हम बच्चों की लड़ाई करेंगे। एक सवाल है कि जो नवयुवक है, भारत अभी युवाओं का देश है, उन युवाओं को अपने आवाज उठाने पर, जैसे अग्निवीर की आप बात कर रहे हैं, उनको बोला गया कि जो भी प्रदर्शन में नजर आएगा उसको वीडियो चाहे किसी भी मार्फत से पहचान करके उसको अग्निवीर योजना में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, ये सिर्फ एक धमकी है सरकार की तरफ से। अब आप ये बताइए कि इस लोकतंत्र में आवाज उठाने पर इतनी बड़ी रोक लगा दी गई है, तो क्या युवक जो है जिसके लिए किया गया है उनको भी तो आगे आना चाहिए ना? आ रहे थे वो क्या गया सही, हम लोगों ने उसको मना कर दिया कि बेटा चलो मत आओ, हम 5-7 आदमी आए हैं, हमें भी अपनी बात नहीं रखने दिया जा रहा, आप देख रहे हैं कैसे धक्काशाही कर रहे हैं कि बुलाओ गाड़ी बुलाओ इसको थाने में लेके चलते, अरे थाने में क्या, हमें जहां मर्जी जेल में डाल दो, जहां मर्जी काला पानी में डाल दे, हम फौजी हैं, हम डरने वाले में से नहीं है, ये कार हमने चूड़ियां नहीं डाल रखी, हम चूल ही डाल देंगे सरकार की, सरकार को अगर किसी प्रकार कर का अंदेशा हो कि हम फौजी डरने वाले से, हम नेता नहीं है, हम नेताओं से बता देते हैं, नेताओं को इस देश में जूते मारेगी जनता, मैं बता देता हूँ देश का नाश कर देने देता हूँ। सेनाओं के जितने बड़े अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना बहुत, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आज बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, उन लोगों को गवर्नर की सीट दिखाई देती है, जो बड़े अधिकारी हैं हमारे, आप जनरल साहब हैं, उनको गवर्नर का जो है लालच दे दिया जाता है, CDS बनाने का लालच दे दिया जाता है, दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, ऐसे कलंकित अधिकारी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं आए, अरे जनरल मानिक शाह साहब था, इंदिरा गांधी ने जो है युद्ध करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपनी फौज को मरवा नहीं सकता, हमारी तैयारी होगी तो हम अपने आप युद्ध करेंगे, ऐसे जनरल साहब लोगों को सलाम है। आज के जो जनरल है ऐसे कलंकित, ऐसे गद्दार, ऐसे जनरल कभी इस देश की सेना में नहीं हुए, दिक्कत है, वो माँ भी रो रही होगी जिस माँ ने इन जनरलों को पैदा किया होगा, उसको क्या पता मैं अपनी कोख से कतर जनरलों को पैदा कर रही हूँ, दिक्कत है जनरलों को। लेकिन सर आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एयरफोर्स में नेवी में लाखों भर्तियां निकल रहे हैं, एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो देश में इतनी हमारे जो है बेरोजगारी है, उसके लिए PhD होल्डर अप्लाई करते हैं, ये तो सेना की है, लोग सोचते चलो भागते चोर की लंगोटी सही, मजबूरी में जा रहे हैं बेचारे, 4 साल ही नौकरी कर लेते हैं, कुछ तो उद्धार होगा, 4 साल तो जिंदगी जिएंगे, सिर्फ इतना है, खुशी से कोई नहीं जा रहा। सरकार कह रही है ट्रेनिंग देंगे, इससे सशक्त होगा देश। बेटा ये ट्रेनिंग जो नौकरी 15-20 साल में सशक्त करते थे हम लोग, वो 4 साल वाले सशक्त कर देंगे क्या? बताइए आप लोग, मैं एक चीज बताता हूँ, आर्मी के अंदर एक मैप रीडिंग क्लास होती है, मैप रीडिंग क्लास 1 होती है, 1 क्लास कम से कम एक सैनिक की, ध्यान से सुनना भाई, मैप रीडिंग क्लास 1 जब एक सैनिक की कम से कम 10 साल नौकरी होती है तब जाकर के उस मैप रीडिंग क्लास 1 नंबर 1 में 1 वो नंबर पड़ता है, और बिना क्लास 1 किए हवलदार से नायब सुधार जेस प्रमोशन नहीं होता, यानी कि उस क्लास की इतनी इंपॉर्टेंस है, यानी कि मैप रीडिंग, मैप के द्वारा कंपास के द्वारा अपनी पोजिशन निकालना अपने दोस्तों अपने बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर एरिया में, और वहाँ पर जब हम होते हैं अगर मैप रीडिंग क्लास 1 नहीं है, अरे गोला दागना होगा उस अग्निपथ वाले को पाकिस्तान पर और गोला दागेगा हिंदुस्तान पर, ऐसे दुर्भाग्य होने वाला है, अपने ही जवानों के गोलों से हमारे हिंदुस्तान के लोग मरेंगे। मैं कहना चाहता हूँ अगर इस देश का कोई भी जनरल साहब या देश का कोई अंतरी मंत्री प्रधानमंत्री अगर मेरी बात को काट दे, मेरे को फांसी पर लटका देना, मैं फौजी हूँ। लॉजिक जो दिया जाता है वो कहते हैं कि हमारी जो फौज की एवरेज एज है वो 32 के आसपास है,
उसे घटा के 25-23 के आसपास लेके आना है। मैं आपसे पूछना, लॉजिक देना चाह रहा हूं, आपका सवाल समझ गया। आप बताइए, लड़ाई अकेला जवान लड़ता है क्या? अधिकारी लीडर होता है हमारा, और लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, लीडर फ्रंट से लीड करता है। अगर वो होगा 55 साल का बूढ़ा खप्पड़ और जवान होगा 22 साल का कॉम्बिनेशन होगा क्या? उसको लीडर का तो लीडर फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। अधिकारी आगे से लीड करता है, जवान पीछे रहता है, फाइटिंग ट्रुप पीछे रहती है। वो जैसे आदेश करता है वैसे उनको एक्शन लेना पड़ता है। आप बताइए, वो बूढ़ा होगा, ऑफिसर बूढ़ा होगा, 55 साल का खप्पड़ होगा और जवान 22 साल का होगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा क्या? बताइए आप लोगों को, पहाड़ी चढ़ सकता है, पहाड़ी चढ़ेगा वो 55 साल का पहाड़ी चढ़ेगा और ये 22 साल का पहाड़ी चढ़ेगा, अंतर है कि नहीं है? जब जवान आपको जवान चाहिए, सोल्जर आपको जवान चाहिए, अधिकारियों की भी 22 साल नौकरी करिए। ये देश के नेता हैं, 80 साल में देश की सेवा करते हैं, ये सेवा करते हैं, देश को लूटने का काम, अय्याशी का काम करते हैं। मौका मिलेगा देश के जवानों को, हम मौका देंगे। फौजी आ चुके हैं मैदान में, बेटा होशियार हो जाओ। 2024 का यहाँ से बैठकर टारगेट लेकर चल रहे हैं कि सरकार अगर आपकी बात नहीं मानी तो 2024 में आप दिखा देंगे कि बिल्कुल 2024 में मैं ऐलान करता हूँ, 2024 में सैनिक भाई अपनी पार्टी बनाएंगे और पूरे देश में हम मौका देंगे वतन के, भारतीय माँ भारती के वीर सपूतों को, सच्चे भाई जो पैसा कमाने वाले चोर होंगे वो जाएं बीजेपी कांग्रेस केजरीवाल के पास, और जो ईमानदार हैं वो फौजी भाइयों के साथ में मौका फौजी देंगे। 543 सीटों में उम्मीदवार हम खड़े करेंगे, अगर आप इनको वापस नहीं लेते तो, और इस कानून को हम वापस लेंगे। हम फौजी हैं, फौजी की जुबान होती है, हम नेता नगरी में नहीं आना चाहते, हमारा कोई मसला नहीं, हमारा काम है, बड़े नेता ये कह रहे हैं, हमारा काम है रक्षा करना। बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे बाद में, ये कह रहे हैं नौकरी क्या, अरे हमें नहीं मिलती, उन चार सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, भाग रहे हैं क्या? वो तो बीजेपी दफ्तर में जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे हमें, यानी कि सेना का मान सम्मान बीजेपी के दिमाग में सिर्फ बोला था कि ज्ञापन है, सब इन्होंने खुद बोला था ज्ञापन देने 5 आदमी आ जाओ। हमारी 150 बच्चों की टीम थी जो हमने राजस्थान बॉर्डर पे छोड़ दी, उसके अलावा आप देख रहे हो भैया जबरदस्ती कि चलो ले चलो तो ले चलो साहब। इन्होंने खुद SHO साहब ने फोन करके बोला था ज्ञापन दे देंगे आपका, उसके बाद इनके DCP साहब ने बोला था ज्ञापन दे जाओ, हम 150 बच्चों को वहाँ छोड़ कर यहाँ आए हैं और ये डिटेन कर रहे हैं, देख लो कोई बात नहीं, हमें कोई आज आप आए हैं क्या कहेंगे, क्या मामला क्या है? हम अग्निपथ योजना के लिए आज हमने परमिशन मांगी थी जो इन्होंने खुद 23 को परमिशन दी थी, सुबह इन्होंने बोला कि आपकी परमिशन कैंसिल है, आज सुबह कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए हमारे जो 150-200 बच्चे थे हमने राजस्थान में छोड़ दिए और हम अकेले आए 5 आदमी। इन्होंने खुद बोला ज्ञापन देने आ जाओ, अब हम ज्ञापन देने आ गए, यहाँ मीडिया पूछ रही है तो हम बता रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है, बोल रहे हैं आपको गिरफ्तार करेंगे तो हम तैयार हैं। हम अग्निपथ का जो पुरानी भर्तियां हैं उनका विरोध करते हैं कि जो पुरानी भर्तियां कराई जाए, 2-2, 3-3 साल से जो किसान जवानों के बच्चे जो भर्तियों की तैयारी कर रहे थे जो कैंसिल हुई है, हमने 5 मांग हमारी ये थी जिनको लेकर हम यहाँ सिर्फ आज ज्ञापन के लिए आए थे। खुद इनके SCP DCP साहब बोलते हैं ज्ञापन दे दो और अब ये हमें बोलते हैं कि चलो बंद कर दें, अरे कर दो बंद भाई, वैसे भी हम तो अपनी आधी जिंदगी फौज के नाम बंद कमरों में ही करके आ गए, अरे उन बॉर्डरों पे हमारे लिए कैद से बड़ी कैद थी, घर में परेशानी होते हुए छुट्टी तक नहीं मिलती थी, हम हंसी खुशी वहां जीते थे और सामने गोली का सामना करते थे, क्यों? हमें पता था कि सरकार हमें पेंशन दे रही है, पूरा कर रही है, लेकिन आज जिसको चार साल के बाद कहेंगे कि विदाउट पेंशन आउट कर दिया जाएगा वो गोली खाएगा क्या? कल अगर लड़ाई लड़ी जाएगी और उसको फोन करेंगे कि भाई आ जा रिटायर होने के बाद, क्या वो आएगा? वो इनके जूते और मारेगा कि आपने जिस दिन हमारे को 75% को आउट किया था हम क्यों आएंगे? तो मैं चाहता हूँ जिस दिन अगर देश में लड़ाई हुई, आज चारों तरफ से दुश्मन से गिरा हुआ हमारा देश है, क्या हालत होगी? आज जो लोग चुप हैं उनको ये पता चलेगा कि यहाँ भविष्य में क्या होगा। हमारी सिर्फ 5 मांग थी जो सरकार को ये रखना चाहते थे, इन 5 हम चढ़ रहे हैं लेकिन भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं चाहता हूँ कि हमारी मांग क्या तो ये है, देश का लोकतंत्र, फौजी आदमी बच्चों की सिर्फ मांग रखने आए थे और पुलिस ने डिटेन कर लिया, कोई बात नहीं ले जाओ हमें जहां मर्जी ले जाओ। मोदी साहब
ये फौजी हैं, इनकी तरफ लगेगी आपको पूरा हिंदुस्तान देखेगा आपके, आपको 2024 में मोदी साहब 2024 में आपकी अगर चूल नहीं उखाड़ दी, हम फौजी हैं, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे अगर 24 में मोदी आएगा, धिक्कार हम फौजी न कहलाएंगे। हम फिर से भारत माता के लिए बड़ा दुर्भाग्य है ऐसी सैनिकों को डिटेन किया जा रहा है, तोड़ते हम फील्ड में, कहते हैं कि भारत माता की रक्षा करेंगे, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो हमारे दिल तोड़ रहे हैं, क्या रक्षा करेंगे हम देश को, ऐसे नौजवानों का जो है जितना ही अफसरों का टायर नहीं किया होगा ना, उतना हम लोग कमर में टायर बांध कर खींच देते हैं फील्ड में, इनको क्या पता है फौजी कैसे बनते हैं, बरसात गर्मी जेट हर दिन हम लोग फील्ड में दौड़ते हैं, इसलिए कि मुझे फौजी बनना है, लेकिन भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, चलो हमें फांसी लगाओ, मोदी साहब फांसी लगाओ, हमें फांसी लगाइए, हमें नहीं सुनता, थानापुर में मेडिकल पास किया हूँ, ये लोग की बात बोलते हैं कि गुरु सोते जगह चल सी, और ये पुलिस प्रशासन भी नहीं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ संसद रोड, और संसद रोड पे यहाँ पर जो पूर्व सैनिक है अग्निपथ योजना जो लाई गई थी उसी के तहत यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए हुए हैं, लेकिन आप देखिए जो विरोध प्रदर्शन करने आते हैं, जो ऐसी योजनाओं का बहिष्कार करते हैं, जो ऐसी योजनाओं के खिलाफ बोलते हैं, तो उनको किस तरीके से जो है गाड़ियों और बसों में भर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। ये पूर्व सैनिक जो कुछ पूर्व सैनिक आए थे और कुछ जवान भी आए थे, तो लगातार जिस तरीके से अग्निपथ योजना लाई गई और जिस तरीके से 4 साल की जो योजना बताई जा रही है और इसमें जो बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं उसको उसका बहिष्कार करते हुए ये पूर्व सैनिक यहाँ पर आए, और इनको यहाँ पर जो है इन्होंने जब ज्ञापन दिया और इन्होंने बोला कि इस तरीके की जो ये नीति लाई गई है इसका हम बहिष्कार करते हैं, इसमें जो है युवाओं का कोई भविष्य नहीं है, लगातार जिस तरीके से उनको सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जाएगा, और जिन युवाओं ने अग्निपथ के चलते जो विरोध प्रदर्शन किया था, जिनके ऊपर केस लगा दिए गए हैं, उसके तहत जो उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उसका भी इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है उन लोगों ने इन्हें प्रदर्शन करने नहीं दिया और लगातार यहाँ पर जो है उन्हें डिटेन कर लिया जा रहा है, अगर वो बात भी करना चाह रहे हैं तो उन्हें बात भी नहीं करनी दी जा रही है। आप सामने देख सकते हैं ये पानी का फवारा तक यहाँ पे वरुण जो यहाँ पर ला के रख दिया गया है, पानी के फवारा भी यहाँ पे ला के रख दिया गया है, बैरिकेटिंग आप सामने देख सकते हैं, बैरिकेड भी कर दिया गया है, लेकिन सोचिए कि कुछ लोग जो पूर्व सैनिक आए थे इसका बहिष्कार करने और इस नीति को नहीं मानते हैं, इस नीति के चलते लगातार जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सोचिए कि ऐसे नीतियों का जब विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो कैसे उन लोगों को डिटेन कर लिया जाता है, लेकिन वहीं जब भाजपा के लोग या फिर इस तरीके से जो लोग आते हैं, जो नेता लोग आते हैं, तो यहाँ पर जब प्रदर्शन करते हैं पूरा संसद मार्ग भर जाता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस उनको रोकती नहीं है, ना ही उन्हें डिटेन करती है, ना ही उनके ऊपर इस तरीके के फवारे चलाती है, लेकिन आप देखिए कि जब सरकार के द्वारा लाई गई नीति के लिए जब विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो कैसे लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। ये पूर्व सैनिक है जो जिस तरीके से उन्होंने पूरा अपनी जिंदगी इस आर्मी में गवा दी और वो इसका जानते हैं कि किस तरीके से आर्मी, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूर्व सैनिक जो बॉर्डरों पर लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उसका दर्द ये लोग जानते हैं कि किस तरीके से अपने घरों से ये लोग निकल के आते हैं, उनके सीने में जो दिल होता है वो किस तरीके से अपने घरों को छोड़कर आते हैं, अपने बच्चों को छोड़कर आते हैं, बॉर्डरों पर पड़े रहते हैं, ये उसका दर्द जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो पूर्व सैनिक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए थे जिसके चलते यहाँ पर उनको डिटेन कर लिया गया और लगातार बसों में ठूस लिया गया, तो ये आप देखिए कि किस तरीके की नीतियाँ बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, कि एक नीति लाई जाती है और थोप दी जाती है, जब उसका कोई विरोध प्रदर्शन करने आता है तो कैसे उसको डिटेन कर लिया जाता है, बसों में भर लिया जाता है और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, और इसी के चलते ये लोग यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको गाड़ियों में ठूस लिया गया, और सोचिए जैसे ये कोई आतंकवादी हो, इस तरीके से बैरिकेड कर दिया गया, जबकि बड़े शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे, अपनी जो कुछ मांगे थी उस मांगों को रखने आए थे, लेकिन इनको एक इस तरीके से पकड़ा गया है, इस तरीके से डिटेन कर लिया गया जैसे कि ये देश के आर्मी के नागरिक ना हो, जैसे ये पूर्व सैनिक ना हो, कोई आतंकवादी हो, इस तरीके से इनको जो है गाड़ियों में भर लिया गया और गाड़ियों में भर के ले जाया जा रहा है। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो सरकार का विरोध करता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, ये आपने देखा। तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, संसद रोड, दिल्ली।